करेंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फोर ये भिडियोटी देखु। कैलकुलेट करेंट फ्लोइंग इन ए 60 वाट बल्ब कनेक्ट टू 240-250 वोल्ट। आंसर हम पी इज इक्वल टू भि आई। एटे पी हूँ 60, भि हूँ 250। तो थ्रू आई एम ए बाहर करवा तो आई इज इक्वल टू 60/250 इज इक्वल टू 0.24 एम्पीयर। टू बल्ब्स ईच ऑफ 100 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द पावर। आंसर हम आर इज इक्वल टू v² / p इज इक्वल टू v² / 100। तो जेहेतु पैरेलल कनेक्टेड होती तेणु सूत्र हम 1/r' इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू 2/r। तो आर डैश हम r/2 इज इक्वल टू v² / 2 इंटू 100 इज इक्वल टू v² / 200। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू ia। यार यूनिट हम ए इंटू एम स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छी द रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड 25 वोल्ट एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन इट इज 25 J/s। द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज डैश। ये फॉर्मूला पड़ो एच इज इक्वल टू v² / r। 25 इज इक्वल टू 25 रो होल स्क्वायर बाय कैपिटल आर। आर इज इक्वल टू 25 ओम। जूल्स लॉ, जूल्स लॉ कौन करते हैं ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी रे परिणत करते हैं। यार फॉर्मूला अच्छी कैपिटल एच इज इक्वल टू i²RT/4.2 इज इक्वल टू VIT/J इज इक्वल टू v² / r इंटू 2 इज इक्वल टू VIT। अटे W इज इक्वल टू VIT। पावर हम W/J इज इक्वल टू VIT/J इज इक्वल टू V इंटू I। एनर्जी फॉर्मूला कौन हम ना W इज इक्वल टू VIT। यूनिट हम 1 J इज इक्वल टू 1 W/s। 1 W/h के 3600 J। तब जानवा फारेडस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फास्ट लॉ कौन कहूँ ना द मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इम्प्लाय एम इज इक्वल टू ZQ। एटार जेड हूँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाए। तो एम इज इक्वल टू ZIT लिखा जाए। जेड इज इक्वल टू E/FA। एटार ई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट विथ एफ इज इक्वल टू फारेड कांस्टेंट। E को आप लिखा जाए मोलार मास बाय एक्स। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम। सेकेंड लॉ अमाउंट ऑफ सस्टेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इक्विवेलेंट। फॉर्मूला फाइव m1/m2 इज इक्वल टू e1/e2। गोटे चित्र देखो, चित्र रे एनोड देजी कैथोड देजी। फारेडे कांस्टेंट होची चार्ज ऑन एनोड ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम। क्वेश्चन अच्छे इन ए 200 वोल्ट सप्लाई फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट बल्ब। तो आंसर हम आर इज इक्वल टू v² / p इज इक्वल टू 220² / 100 इज इक्वल टू 484 ओम। रिलेटिव परमेबिलिटी देखो म्यू आर लिखा जाए। म्यू आर इज इक्वल टू b/b₀। एठारे b₀ होची मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम। यार कौन से यूनिट नाई। तापर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू। तार सूत्र होची μ₀ इंटू μr। यार यूनिट होची W/A⁻/m⁻। तापर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एच। यार फॉर्मूला होची B₀/μ₀। एसआई यूनिट होची A⁻¹। सीजीएस रे 1 ओर्स्टेड। तापर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो कैपिटल आई लिखा जाए। यार फॉर्मूला होची m/b। तापर अच्छे ससेप्टिबिलिटी जैको कैपिटल के लिखा जाए। यार फॉर्मूला होची i/HA। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तापर अच्छे कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल b₀+bm। आम जानते डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। पारामैग्नेटिक अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट सहित अट्रैक्ट हम टाणी हम निज आड़ को। फेरोमैग्नेट कौन ना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड माने पारामैग्नेटिक थारू मध्ये अति जोर रे निज आड़ को टाणी आनबो फेरोमैग्नेट। ए टेबल टी को देखंथियो फर्स्ट लिखा जाए डायमैग्नेटिक तापर पारामैग्नेटिक तापर फेरोमैग्नेटिक। एथरे म्यू लेस देन 1। म्यू होची परमेबिलिटी। पारा रे म्यू ग्रेटर देन 1 और फेरो रे म्यू मोर ग्रेटर देन 1। दुई नंबर पॉइंट अच्छी के नेगेटिव डायमैग्नेटिक रे पारामैग्नेटिक रे पॉजिटिव फेरोमैग्नेटिक रे पॉजिटिव। डायमैग्नेटिक रे बी लेस देन एच ए। पारामैग्नेटिक रे बी ग्रेटर देन एच ए। फेरोमैग्नेटिक रे बी मोर ग्रेटर देन एच ए। डायमैग्नेटिक रे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी।
पारा मैग्नेटिक रे आई डायरेक्टली ऑप्शनल टू एच ए, फेरो मैग्नेटिक रे आई नॉट डायरेक्टली ऑप्शनल टू एच ए, डायमैग्नेटिक रे के इंडिपेंडेंट ऑफ टी, पारा मैग्नेटिक रे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, फेरो मैग्नेटिक रे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। परीक्षा रे क्वेश्चन गुड़ पड़ू म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस के, टॉर्क इन ए मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टैंजेंट लॉ एफ इज इक्वल टू एच टैन थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस म्यू जीरो आई। ये सब सूत्र मन रखा पड़ो। म्यू नॉट रो वैल्यू हो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वेबर ए इनवर्स एम इनवर्स। आउ गोटे क्वेश्चन देखिए, ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 T विथ इट्स एक्सिस एट 30° टू द फील्ड एक्सपीरियंस एट ए टॉर्क 0.06 Nm, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। एटारे बी दे 0.3 T, थीटा दे 30°, टॉर्क दे 0.06, टॉर्क सूत्र पड़ो एम बी साइन थीटा। तो लिखा 0.06 इज इक्वल टू एम इंटू 0.3 इंटू साइन 30, एम हम 2 × 0.06/0.3, सॉल्व कले हम 0.4 A m². नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे, व्हाट विल बी द टोटल इंटेंसिटी एट ए प्लेस व्हेयर डीप इज 25° एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल एच इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻¹⁵ टेस्ला। तो ये डीप दे 25° जहाँ डेल हिसाब से लिखा जाव, एच अच्छी 3.2 × 10⁻¹⁵ T। तो एच रो फॉर्मूला पड़ो टोटल इंटेंसिटी रो, एच इज इक्वल टू आर कॉस डेल, तो एथरे आर बाहर एच बाय कॉस डेल इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻¹⁵ / cos 25। या सॉल्व कले हम 3.2 × 10⁻¹⁵ / 0.9063 इज इक्वल टू 3.53 × 10⁻¹⁵ T। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एट ए प्लेन व्हेयर डीप इज 60° एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 × 10⁻¹⁵ T। तो आंसर हम टैन डेल इज इक्वल टू भि बाय एच, ए भि इज इक्वल टू एच टैन डेल इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁵ टैन 60, सॉल्व कले हम 5/9 × 10⁻¹⁵ T। क्वेश्चन अच्छे, कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट डिस्टेंस 2 m फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 3 A। फॉर्मूला पड़ो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रो, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4π 2 I/R इज इक्वल टू म्यू जीरो वैल्यू हूँ 4π × 10⁻¹⁵ / 4π × 2 × 3/2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ टेस्ला। दुई नंबर क्वेश्चन अच्छे, ए कॉइल ऑफ 0.20 m रेडियस हाज 15 turns एंड कैरिड ए करेन्ट 3 A, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सेंटर रे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यार फॉर्मूला होगी बी इज इक्वल टू μ0/2 Ni/R। आंसर हम μ0 वैल्यू पड़ो 4π × 10⁻¹⁵ / 2 × 15 × 3/0.2 इज इक्वल टू 1.41 × 10⁻¹⁴ टेस्ला। एन हूँ नंबर ऑफ टर्न, आर हूँ रेडियस। ये भिडियोटी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 था, तो ये किसी क्वेश्चन आंसर कले आई नुआ जिनस भी जाने। जदि भिडियोटी भल लगी तेल यही चैनल टी सब्सक्राइब निश्चय करेंगे, लाइक शेयर निश्चय करेंगे। धन्यवाद।